नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जो हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित है, आज समीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 150वीं कड़ी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी दोस्तों, मैं 150वीं पुस्तक की समीक्षा आपके समक्ष रख रही हूँ और आज की पुस्तक है शब्दों की परछाइयाँ। आप देख सकते हैं और इसकी रचयिता है नीरू मित्तल नीर, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, ये 150वीं पुस्तक है जिसकी समीक्षा मैंने आपके साथ की। तो मेरा फिर से वही अनुरोध कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ये चैनल आप ही लोगों के लिए है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी शब्दों की परछाइयां। ये काव्य है और नीरू मित्तल जी ने लिखा है, हार्डबाउंड में 2022 में प्रकाशित हुआ है, इंडिया नेट बुक्स ये नोएडा से प्रकाशित हुआ है, मूल्य 450 रुपए, पृष्ठ 128। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी नीरू मित्तल जी के बारे में। ये पंचकुला निवासी हैं, अजमेर में जन्मी हैं, एमकॉम सीए आईआईबी किया है, बैंकिंग सेवा से सेवानिवृत्त हैं, कवित्री, लेखिका, समीक्षक, समाज सेविका, योग शिक्षिका हैं। दो काव्य, एक कहानी संग्रह, एक बाल कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है, अनेक संपादित पुस्तकें हैं इनकी, अनेक सम्मान मिल चुके हैं इनको। एक खास सम्मान मैं बताना चाहूंगी, विद्याधाम यूएसए ह्यूस्टन द्वारा संस्कृति संवाहक अवार्ड। जी, इनकी कविताएं भी उसी तरह की है, भारतीय संस्कृति की परिचायक। और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। फ्लैप पर प्रेम विज संपादक हैं जागृति पूर, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि शब्दों की परछाइयां काव्य वास्तव में जिंदगी की वो परछाइयां हैं जो हमें परिवार, समाज, रिश्तों और परिवेश में दिखाई देती हैं। और पिछले फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर निशा भार्गव है, प्राचार्य है मेहर चंद महाजन डीएवी महिला महाविद्यालय चंडीगढ़ की। उन्होंने कहा है, नीरू जी ने जितनी सुंदरता से मौसम के रंगों का चित्रण किया, वैसी कुशलता से मन के उद्गारों का। उनकी लेखनी में अभिमान एवं स्वाभिमान का द्वंद्व भी है, रिश्तों की सिलवटों को मिटाने का प्रयास भी। और अब मैं बताना चाहूंगी, नीरू जी ने यह पुस्तक समर्पित की है अपने जीवन साथी को, श्री रविंद्र कुमार मित्तल जी। उन्होंने कहा है कि उनको समर्पित, जिन्होंने मेरे जीवन में हर लम्हे को अपनी खुशबू से सजाया और लिखते रहने की प्रेरणा दी। और भूमिका लिखी है, भूमिका में नीरू मित्तल जी ने लिखा है, इन्होंने क्या लिखती हैं, ये अपना, ये भूमिका नहीं, ये आत्मकथे है। इन्होंने लिखा है कि जब दिल के धरातल पर सामाजिक रूढ़ियों और विसंगतियों की चोट पड़ती है तो कविता आकार लेती है। प्रस्तुत काव्य संग्रह है शब्दों की परछाइयां में सामाजिक, सांस्कृतिक व प्रेम रस में डूबी हुई कविताएं हैं जो आपको अपने साथ बिना डोर से बांधे हुए ले उन्हें, ऐसी मेरी आकांक्षा है। इन्होंने ऐसा लिखा। और अब मैं समीक्षा करती हूं, मैं बताती हूं आपको, इसमें कुल 70 कविताएं हैं, मुक्त छंद, और कुछ कविताओं में गेयता है, लयात्मकता है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। व्यंजना शब्द शक्ति का भी बहुत अच्छा प्रयोग है। नए प्रतीक गणे हैं, उपमाएं हैं, तुलना है और मानवीकरण अलंकार है। और इसमें, इन कविताओं में कलयुग की गति, किसान, प्रदूषण, देश प्रेम, पशु पक्षी, बचपन, बेटा बेटी, भ्रूण हत्या आदि विषयों पर इनकी पैनी कलम चली है। इन कविताओं में श्रृंगार रस है, वियोग संयोग दोनों, अध्यात्म रस की धारा बही है, करुण रस है और आज के समय की सच्चाई मुझे नजर आई इनमें। मार्मिक कविताएं हैं, सच के करीब है, पठनीय है, सरल भाषा है। कुछ कविताएं तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उनके नाम लेना चाहूंगी, मौत बिकती है, नींव संस्कारों की, सिलवटें, सत्य, बड़े अच्छे थे वो लोग, ऐसा नहीं है, एक पत्र बेटे के नाम, बचपन, और ये मुझे कविताएं अच्छी लगी। अरे, एक कविता है नजर कविता, इसके अंदर मैं थोड़ा सा, माफ करना, मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने इस्तेमाल किया है घुस जाती, ये शब्द इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि ये शब्द थोड़ा अटपटा है, तो घुस की जगह अगर ये लिखती धस जाती तो मुझे लगता है अच्छा होता। और बाकी अब मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी, कविताएं पढ़ना चाहूंगी आप लोगों के लिए, आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या लिखा है। प्रथम कविता है शारदे वंदन। मेरे हृदय में आकर बस जाओ,
अंतःकरण निर्मल हो जाए। मेरे सिर पर जो तुम हाथ रखो, मेरी लेखनी निर्भय हो जाए, मेरी लेखनी निर्भय हो जाए। ये माँ शारदे को प्रार्थना करती हैं ये। और उसके बाद है एक कविता है, ये अच्छी कविता लगी मुझे, नींव संस्कारों की। सच में हम सभी लोग आहत हैं कि संस्कार जो हैं खत्म होते जा रहे हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी, इसकी पूरी तो नहीं, कि जब अपने ही बच्चे हो जाते पराए और बूढ़ी माँ वृद्धाश्रम में पलती है, तो नींव संस्कारों की हिलती है। पाश्चात्यता के अंधे छोड़ लाज शर्म, छोटे कपड़ों में बेटी मॉडर्न दिखती है, तो नींव संस्कारों की हिलती है। धर्म मजहब के भड़कीले भाषण पर जब कोई एक पूरी बस्ती जलती है, तो नींव संस्कारों की हिलती है। बस करो बहुत हुआ अब तो संभलो, बस करो बहुत हुआ अब तो संभलो, माँ भारती रो रो कर तुमसे कहती है, माँ भारती रो रो कर तुमसे कहती है। एक कविता है सत्य, सत्य कविता भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इसकी भी कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी, थोड़ा शुरू की और आखिरी की। कि सत्य डरता है हर कोई, बड़ा भयानक विद्रूप सा लगता है वह सत्य, डसता है अजगर सा, कभी कभी आता है उभर कर टीवी में अखबारों में, पर रहता है जब तक मिलती है टीआरपी, और फिर कहीं दुबक जाता है, अजगर से चूहा बन जाता है और मर जाता है अपनी ही मौत। और आखिरी में लिखा है, सत्य जो अजगर सा फुफकार था ता आजकल पाला जाता है टॉमी की तरह, और मिमियाता है किसी की आवाज पर, किसी के चाबुक पर, किसी की कुर्सी के नीचे। सत्य बहुत डराता है, डरता है हर कोई इस सत्य से, डरता है हर कोई इस सत्य से। एक ऐसा नहीं है, देखिए वात्सल्य रस, इसकी भी कुछ पंक्तियां, कि ऐसा नहीं हर माँ सूखे में बच्चा सुला, खुद गीले में सोती है, पर बच्चों की नींद की खातिर अपनी नींद आवश्यक होती है। ऐसा नहीं कि बच्चों को बड़ा करने में स्वयं को भूल जाती है, पर अपना कैरियर सपने अरमान जरूर दांव पर लगाती है। लाचार बेबस बेचारी तो जवान बच्चों के आगे होती है, सब कुछ होते हुए भी उनकी बेरुखी को सहन नहीं पाती। दर्द देखिए, सब कुछ होते हुए भी उनकी बेरुखी को सहन नहीं पाती, बद्दुआ दे नहीं सकती, बद्दुआ दे नहीं सकती, लाचार अपने मन को समझाती है, लाचार अपने मन को समझाती है। शायद आज का युग कुछ ऐसा ही हो गया है। एक कविता है एक पत्र बेटे के नाम, बहुत सुंदर है, इसमें शुरुआत भी मेरे बेटे से करके की है, कि तुम जियो पंछी सा उन्मुक्त जीवन, तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं, जो मैंने तुमको जन्म दिया, पाला पोसा, रातों को जाग तुम्हें सुलाया, तुम भी तो कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, यह कर्ज तो सतत चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और निरंतर होता रहता है भुगतान भी। और आखिर में कहती हैं कि हाँ अगर तुम समझो फर्ज, तो रहना मेरे पास उन लम्हों में, जब मैं खाना खाते हुए गिरा दूं, चुपके से साफ कर देना, कोई बात भूल जाऊं तो बार बार याद दिला देना, एक ही बात बार बार बताऊं तो सुन लेना, जब हाथ पैर ना चलें तो बनना सहारा मेरा, पर कर्ज नहीं फर्ज समझकर, कर्ज नहीं फर्ज समझकर। उसके बाद कहती हैं आखिरी में कि नहीं कोई कर्ज नहीं दूध का तुम पर, नहीं कोई कर्ज नहीं दूध का तुम पर, खुशहाल जीवन जियो, सफल रहो, बस मेरे एहसासों को, आभासों को, खुश फहमियों को, मेरे विश्वास को, मेरे विश्वास को कभी तोड़ना मत, कभी तोड़ना मत, कभी तोड़ना मत, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। ऐसा लगता है कि हर माँ की बात इन्होंने इतनी अच्छी कविता में पिरो दी, हर माँ ऐसा ही तो चाहती है अपने बच्चे से। और अब मैं पढ़ूंगी आखिरी कविता, चांद का गहना। कि तारों की चुनरी और चांद का गहना, बड़ी प्यारी श्रृंगारस, उनींदी सी आंखों में सपनों का झरना, आई है निंदिया रानी रुंझुन रुंझुन, तन मन में विश्राम की सौगात भरना, सनम की बाहों के कसे मजबूत घेरे, विश्वास प्यार मान सशक्त लगे पहरे,
गगन धरा का है क्षितिज पर मिलना, सब कुछ धुंधला पर रिश्ते हुए गहरे, दबे पांव चांदनी का धीरे से खिसकना, तारों की चुनरी और चांद का कहना, उनेंदी सी आंखों में सपनों का झरना, सिमटती जाए गोरी घूंघट करे लाज, चूड़ी की खनक घुंघरुओं की आवाज, बिखरी निस्तब्धता संगीत सांसों का, छेड़े मन वीणा पर अनजाने सुरसास, सरसराती हवा का फिर लय में बंधना, तारों की चुनरी और चांद का गहना, उनेंदी सी आंखों में सपनों का झरना, रूठना उसका कभी लगता ग्रहण सा, कुल बुलाते प्रेमी के लिए बने कहर सा, फिर माने बिखेरे छटा प्यार की शीतल, रूठना मनाना चले अमावस से पूनम सा, स्निग्ध शीतल रात का चुपके से ढलना, तारों की चुनरी और चांद का गहना। देखिए सुंदर उपमाएं, तारों की चुनरी और चांद का गहना, उनींदी सी आंखों में सपनों का झरना, सपनों का झरना, सपनों का झरना, सपनों का झरना। तो सुंदर कविताओं के लिए नीरू जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।